हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको रेडीमेड गले में अस्तर अटैच करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि दोस्तों ये हमने अस्तर अटैच इसमें कर रखा है बहुत ही फिनिशिंग से। अभी ये किस तरीके से दोस्तों अस्तर अटैच करेंगे हम रेडीमेड गले में, तो दोस्तों सारा कुछ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो अच्छे से एक बार वॉच करते हैं तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे कि दोस्तों हमारा सूट का रेडीमेड गला बना हुआ है, अब इसमें दोस्तों हम अस्तर किस तरीके से अटैच करेंगे वो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। नॉर्मली दोस्तों हमने ये कटिंग कर रखा है, जैसे हमारा सूट नॉर्मल कटिंग होता है उसी तरीके से दोस्तों हमें कटिंग करना है। ये दोस्तों हमारा सूट है, कॉटन का सूट है, तो दोस्तों हमने ये कपड़ा कटिंग कर रखा है, ठीक है, पूरा परफेक्ट तरीके से, ठीक है, हमारा पूरा फिटिंग में सूट कटिंग करा हुआ है। लेकिन अस्तर जो है दोस्तों वो हमारा एक्स्ट्रा कटिंग करा हुआ है। अब एक्स्ट्रा किस तरीके से कटिंग है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरी तरफ वन साइड है, तो मैंने बराबर से इस तरीके से अस्तर और सूट बिछा लिया है, और इधर से दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा अस्तर कटा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कटा हुआ है थोड़ा थोड़ा हमारा अस्तर, लेकिन कपड़ा जो है हमारा मेन वो हमने फिटिंग का कटिंग कर रखा है। इस तरीके से दोस्तों आपको भी कटिंग कर लेना है अगर आपका कॉटन का सूट है तब, ठीक है, अगर आप अस्तर लगाना चाहते हैं कॉटन में। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रेडीमेड गले में अस्तर कैसे अटैच करें। नॉर्मली दोस्तों गले की तरफ हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको जिधर बंद साइड है उधर बराबर से इस तरीके से फिनिशिंग से आपको बिछा लेना है, और इधर दोस्तों आपको अस्तर एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग से आपको छोड़ना है अस्तर, और अच्छे से आपको गला बिछा लेना है, ठीक है, यानी कि अस्तर पे सेट कर लेना है गला फिनिशिंग से। अब जो दोस्तों आपका कढ़ाई करा हुआ है गला, वहाँ से आपको क्या करना है, बराबर से ही निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको आधा इंच का एक निशान लगाना है फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से आपको निशान लगाने के बाद क्या करना है, जो हमारा रेडीमेड गला बना हुआ है उसके बराबर से दोस्तों आपको निशान लगा लेना है पूरे अस्तर में, ठीक है, गले के बराबर ही करते हुए आपको फिनिशिंग से निशान लगा लेना है, आपका गला आड़ा टेढ़ा ना हो। इस तरीके से दोस्तों आपको निशान लगा लेना है, कंधी से भी दोस्तों आपको बराबर से ही निशान लगा लेना है सूट के कपड़े के बराबर से, ठीक है, इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है पूरे गले के बराबर से ही फिनिशिंग से। अब उसके बाद क्या करेंगे, गले के बराबर से इंची टेप रखेंगे जो हमने निशान लगाया, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोस्तों आपको निशान लगा लेना है, ठीक है, पूरे गले में एक जैसा आपको फिनिशिंग से निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है, निशान हम डार्क कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने निशान लगा दिया आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले के बराबर से ही। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमने निशान लगाया है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसी निशान पर ही दोस्तों आपको अस्तर का जो कपड़ा है उसे कटिंग कर देना है, ठीक है, फिनिशिंग से आपको निशान के बराबर से ही कटिंग कर देना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा कपड़ा कटिंग हो गया है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले से, अब क्या करेंगे, इसे सीधा करेंगे, जैसे हमने कॉटन का कपड़ा जो सूट है हमारा मेन उसे हटा दिया है। अब अस्तर को इस तरीके से आपको सीधा करना है, ठीक है, बिछा लेना है ओपन करके, जैसे पहले हमारा डबल में था इस तरीके से आपको ओपन में बिछा लेना है। अब दोस्तों जो हमने आधा इंच का मार्जिन गैपिंग देके छोड़ के निशान लगाया है वो दूसरी तरफ भी दोस्तों आपको निशान लगाना है। कंधी में दोस्तों इस तरीके से नापना है, जितना भी आपका निशान है उसकी तरीके से इधर भी हम निशान लगा देंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो आधा इंच का हमने एक तरफ निशान लगाया है उसी निशान को ही आधा इंच का गैपिंग देते हुए दूसरी तरफ भी आपको निशान लगा लेना है। निशान दोस्तों लगाएंगे आप एक जैसे ही लगाएंगे, आड़े टेढ़े निशान ना लगाएं, एकदम इंची टेप से एक बराबर से ही निशान लगाने, ये हमारे निशान लग जाएंगे। जैसे जो हमारा गला है सूट का उसको इस तरीके से बिछा के देखेंगे कि हमारे निशान सही से लगे या नहीं, तो दोस्तों एकदम फिनिशिंग से हमारे निशान लगे हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, एकदम बराबर से ही कढ़ाई के बराबर से ही हमारे निशान लगे हैं, ठीक है, जो गला बन के आएगा एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। अब मशीन पर चलते हैं और आपको अस्तर अटैच करना सिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको सिखाया कि हमारा निशान किस तरीके से लगेंगे और कपड़ा किस तरीके से कटिंग होगा। अब क्या करेंगे, जैसे दोस्तों हमारे जो निशान लगे हुए हैं उस तरफ से क्या करेंगे, जैसे हमारा एक पल्ला लेंगे यानी कि एक गली की तरफ का पीस लेंगे, जैसे हमारा इधर है, तो दोस्तों क्या करेंगे, शोल्डर को इस तरीके से दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ आपको रखना है इस तरीके से, ठीक है, जो हमारा निशान लगा हुआ है उसी के बराबर से ही आपको रखना है। कंधी की तरफ जो हमने निशान लगाया था उसी के बराबर से ही, और मार्जिन का जो निशान लगाया था आधा इंच का उसके बराबर से इस तरीके से आपको रखना है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं या दूसरी कंधे से भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से निशान रखते हुए निशान पर ही दोस्तों आपको गले को रखना है फिनिशिंग से, और ऊपर का मार्जिन जो कंधी के बराबर से हमने निशान लगाया था उसी के बराबर से ही रखना है, और आधा इंच का जो मार्जिन लिया था उसको ही दबाव में रखते हुए, यानी कि गले को जो रखना है वो आधा इंच का जो हमने मार्जिन लगाया था निशान उसी निशान के ऊपर आपको निशान इस तरीके से गला रखना है निशान पर ही, और फिनिशिंग से दोस्तों आपको गला अटैच करना है, ठीक है। अब दोस्तों जिधर आपको अच्छा लगे, जितना परफेक्ट लगे कि हमारा किस तरफ से गला अच्छे से लग सकता है, बैठ सकता है, उसी तरफ से ही दोस्तों आप लगा सकते हैं, ठीक है, जिधर आपको आसानी हो। इस तरीके से फिनिशिंग से आपको क्या करना है, जो अस्तर में हमारा सीधा सेंटर का है, जो बीच सेंटर का दोस्तों निशान है, और यहाँ पर दोस्तों गले में हमारा बीच सेंटर का निशान है, तो गला जब अटैच करेंगे दोस्तों तो हमारा ये आपस में मिलके आना चाहिए,
ठीक है। इस तरीके से आपको गला अटैच करना है, जो हमारा सूट का सेंटर और अस्तर का सेंटर आपस में मिलके आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारा सेंटर मिलके नहीं आ रहा है सूट और अस्तर का, तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको हल्का सा अस्तर खींच लेना है, ठीक है, और कपड़ा जो गले का है वो हल्की सी लूजिंग दे देनी है गले में, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि हल्की सी लूजिंग दे रहा हूँ सूट में और अस्तर को हल्का सा खींच रहा हूँ। इस तरीके से आपको क्या करना है, खींच के अस्तर को हल्का सा और सेंटर से सेंटर आपको मिला लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप गले में हल्की सी लूजिंग देंगे तो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों आप अस्तर को भी हल्का सा खींच लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको फिनिशिंग से आधा इंच का ही मार्जिन रखना है। ऊपर दोस्तों कंधी की तरफ भी दूसरे तरफ से भी दोस्तों हमारा गला एकदम फिनिशिंग से मिलकर आना चाहिए। जहां हमने निशान लगाया उसी जगह पर दोस्तों आपको कंधी की तरफ भी आपको फिनिशिंग से मिलाकर रखना है, ठीक है। अगर यहां पर भी आपको लगता है कि हमारा अस्तर हल्का सा छोटा हो रहा है और कपड़ा बड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा अस्तर खींच लेना है, ठीक है, और कपड़े को हल्की सी लूजिंग दे देनी है। इस तरीके से आपको सेट करना है पूरा फिनिशिंग से ही, जितना हमने निशान लगाया है मार्जिन का उसी निशान पे ही दोस्तों आपको अस्तर अटैच करना है, ठीक है। फिनिशिंग से दोस्तों अस्तर अटैच हो जाएगा आपका गले में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती तो बार बार आप प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से ही आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारा कंधी बराबर आ गया, जो हमने निशान लगाया पूरा प्रॉपर एक जैसा हमारा अस्तर इसमें अटैच हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद दोस्तों जहाँ हमारा अस्तर की गुलाई आ रही है वहाँ पर दोस्तों हल्की हल्की दूरी पर हम कुटके लगा लेंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग से अस्तर बैठ जाएगा, ठीक है, सेट हो जाएगा। ये खिंचावपन जो आ रहा है वो दोस्तों नहीं आएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको अस्तर में ही कुटके लगाने हैं, गले में आप कुटके ना लगाएं, ध्यान से कुटके लगाएं कहीं आपका गलती से कपड़े में ना लग जाए। इस तरीके से फिनिशिंग से दोस्तों हमने ये कुटके लगा लिए। अब क्या करेंगे, फिनिशिंग से दोस्तों आप इसे उल्टा कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम अस्तर कर देंगे उल्टी तरफ, ठीक है। इस तरीके से आप करते हुए फिनिशिंग से उल्टी तरफ अस्तर करके हम इसमें नाखून लगा देंगे, ठीक है। अस्तर में फिनिशिंग से इस तरीके से आपको नाखून लगा लेना है, जिससे कि जो हमारी फिनिशिंग आएगी वो फिनिशिंग से अस्तर में आ जाएगी फिनिशिंग, ठीक है। अब इस तरीके से करने के बाद फिनिशिंग से क्या करेंगे दोस्तों, इस पर हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आपको फिनिशिंग से एक पैर की सिलाई लगा देनी है, जिससे कि दोस्तों जो हमारा नीचे का मार्जिन है ना, ये वो अच्छे से बैठ जाएगा और इस पर सिलाई भी लग जाएगी, उठेगा नहीं। अगर दोस्तों बाई चांस आपकी मोती है तो क्या करना, आपको दोस्तों लपकी भी सिलाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मोती हटाकर आप सिलाई लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारी नॉर्मली कढ़ाई है तो दोस्तों हम क्या करें, एक पैर की सिलाई लगा दे रहे हैं, आसानी से लग जाएगी। कई बार गले में क्या होता है, मोती होती है दोस्तों तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है सिलाई लगाने में, तो आप हल्की सी बचाकर या कैसे भी आप सिलाई लगा सकते हैं मोती वाले में, कढ़ाई वाले में नॉर्मल ही सिलाई लग जाती है, ठीक है। अगर आपकी सिलाई नहीं लगती तो आप दोस्तों हल्के हल्के सुई से भी टाँके लगा सकते हैं गले में। इस तरीके से दोस्तों हमारे अटैच हो जाएगा अस्तर फिनिशिंग से। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने अस्तर आपको अटैच करना सिखा दिया है, जैसे हमारा फिनिशिंग से अस्तर अटैच हो गया एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई झोल वगैरह हमारी नहीं आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप कढ़ाई वाले गले में बने हुए रेडीमेड गले में आप अस्तर अटैच कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब क्या करेंगे, जैसे हमारा जो सूट का पीस है वो दोस्तों हमारा फिटिंग का कटा हुआ है और अस्तर हमारा एक्स्ट्रा है, तो नॉर्मली दोस्तों इसे कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी आपका अस्तर अटैच यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर देंगे सूट के पल्ले के बराबर से ही, ठीक है। आपको इस पोजीशन में क्या करना है, जब आप रेडीमेड गला हो तो उसमें क्या करना है, आपको अस्तर हमेशा एक्स्ट्रा कटिंग करना है और सूट की फिटिंग परफेक्ट करनी है, अगर आपका कॉटन वाला सूट है तो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लाइक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।